नमस्कार, मैं सुरेश बावरवा, आपका दोस्त, आपका गाइड जेम्स इंस्टीट्यूट इंडिया से। दोस्तों, आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम इतने व्यस्त होते हैं कि हमारे पास खुद के लिए भी वक्त नहीं होता। इतना संघर्ष करते हुए भी हम हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को नहीं पा सकते। इतना कुछ करते हुए भी सभी की जिंदगी में तनाव होता है, जिसकी वजह से हमारी मानसिक शांति और खुशियाँ कहीं खो जाती है। इस वजह से हम अपने लक्ष्यों में आगे नहीं बढ़ पाते और हर तरफ से पिछड़ने लगते हैं। यही कारण होता है कि परिवार की इनकम भी कम होने लगती है। लेकिन वास्तुशास्त्र में इन सभी परेशानियों के भी आसान से उपाय है। घर की कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण हम अक्सर घर में नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा दे देते हैं। नकारात्मक ऊर्जा से घर में न धन आता है और न ही खुशियाँ। यह वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे ही वास्तु टिप्स, जिनकी मदद से आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि ला पाओगे। बस सिर्फ यहाँ दी गई 5 बातों का ख्याल रखना है और बिल्कुल ही सरल टिप्स को फॉलो करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। यह सरल वास्तु टिप्स जानने के लिए देखते रहे ये वीडियो। आपके घर में रखे ओमकार और स्वास्तिक। ओमकार और स्वास्तिक रखने से पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ने लगती है। इसको घर में रखने से आपका जिंदगी के प्रति नजरिया बदल जाता है और आपको काफ़ी मानसिक शांति मिलती है। इस प्रकार नकारात्मक ऊर्जा भी घर में नहीं रहती और व्यक्ति उन्नति करता है। इतना ही नहीं, सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। रसोई घर में कभी न रखें दवाइयाँ। इस बात का खास ध्यान रखें कि किचन में कभी भी दवाइयाँ न रखें। किचन में हमेशा हेल्दी और फ्रेश फ्रूट रखें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दरअसल दवाइयाँ बीमारी का प्रतीक है और ताज़ा फल खुशियाँ और सेहत का प्रतीक है। इसीलिए घर में नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने के लिए यह वास्तु उपाय जरूरी है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस तरह आप अपने व्यापार और धंधे में आगे बढ़ सकेंगे और आपके घर में खुशहाली आएगी। घर के कोने में रखे नमक। कहा जाता है कि घर में रखा नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। घर के कोने में नमक रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। इससे परिवार में धन धान्य और खुशियाँ आती है और सुख शांति मिलती है। कैसी होनी चाहिए डस्टबिन? घर में भूलकर भी लाल और गुलाबी रंग का डस्टबिन न रखें। इसके अलावा पुराने अखबार भी रखने से बचें। वास्तु में हुई रिसर्च की माने तो इससे परिवार के सदस्यों के दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं। इस तरह करके घर में नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं और गवाया हुआ सुख चैन भी वापस आता है। घर में डस्टबिन, टॉयलेट और स्टोर रूम बनवाते समय खास ध्यान रखा जाता है। वास्तु के अनुसार कहा जाता है कि डस्टबिन, टॉयलेट और स्टोर रूम को पूर्व या उत्तर दिशा में बनवाना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के मन में नए और ताजे विचार आते हैं और अपनी पुरानी बातों को भुलाकर वो नई जिंदगी की शुरुआत करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आपको ये उपयोगी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी यह टिप्स शेयर करके मानव धर्म अदा करें। ऐसे बहुत सारे नए उपयोगी वीडियो के लिए हमारी यह लोकप्रिय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे ऐसी शुभकामना। धन्यवाद।